हम डिबेंचर्स के क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं आज। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज डिबेंचर? अब इसका आंसर, डिबेंचर इज डॉक्यूमेंट इशूड अंडर कॉमन सील ऑफ द कंपनी एक्नोलेजिंग द डेट, फ्रांसिस परमर ने दी है। और ये 1 मार्क में आता ही है कि व्हाट इज डिबेंचर। तो एक डॉक्यूमेंट है, आप देख सकते हैं ये डॉक्यूमेंट है जिसमें कॉमन सील लगी हुई है। देखिए कंपनी की कॉमन सील है, राइट? करेक्ट। एक्नोलेजिंग द डेट। कन्वर्टिबल डिबेंचर्स क्या होते हैं? डिफाइन द मीनिंग ऑफ कन्वर्टिबल डिबेंचर्स व्हेन एट टाइम ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स इफ दे आर कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स। रिडेम्पशन के टाइम पे अगर वो शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं तो उन्हें हम कन्वर्टेबल डिबेंचर्स कहते हैं। अब वैसे तो 1 लाइनर ही है, 1 मार्क है, तो कभी कभी टीचर बोलती है कि थोड़ा एलोबरेट करो, तो आप ये डाल सकते हैं, सच डिबेंचर होल्डर्स लूजेस राइट एज अ क्रेडिटर एंड गेट्स राइट ऑफ एन इक्विटी शेयर होल्डर। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉर्गेज डिबेंचर? अब जब कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है तो उसपे चार्ज क्रिएट होता है जो फिक्स्ड या फ्लोटिंग हो सकता है। व्हेन कंपनी क्रिएट्स फिक्स्ड और फ्लोटिंग चार्ज ऑन एसेट्स एट द टाइम ऑफ इशूइंग डिबेंचर्स, जब डिबेंचर इशू करते हैं तो फिक्स्ड या फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट करती है। फिक्स्ड यानी पर्टिकुलर एसेट गिरवी रखती है, लैंड एंड बिल्डिंग गिरवी रखा और डिबेंचर्स इशू किए, या सारे एसेट्स गिरवी रखे और डिबेंचर्स इशू किए। तो जब सारे एसेट्स होते हैं, कोई स्पेसिफिक एसेट नहीं होता है, तो उसे फ्लोटिंग चार्ज कहा जाता है। जब कोई पर्टिकुलर एसेट, बाय लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीन, कोई पर्टिकुलर एसेट गिरवी रखा तो उसे फिक्स चार्ज कहा जाता है। एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी डिबेंचर होल्डर्स हैव फर्स्ट राइट ऑन द एसेट सो मॉर्गेज। ये एक डिबेंचर सर्टिफिकेट है, और अगर इसको आप जूम करेंगे तो यहां पे आपको दिखेगा कि द बैंक चार्जेस ऑल एसेट्स एज सिक्योरिटी। बैंक चार्जेस ऑल एसेट्स एज सिक्योरिटी, करेक्ट? बैंक चार्जेस ऑल एसेट्स, तो ये फ्लोटिंग चार्ज वाला एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, डिबेंचर सर्टिफिकेट क्या होता है? आफ्टर रिसीविंग फुल अमाउंट टुवर्ड्स डिबेंचर्स अलॉटेड, जब पूरा पैसा मिल जाता है तो कंपनी सेक्रेटरी डिबेंचर सर्टिफिकेट बनाता है एज पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट, और डिस्पैच करता है डिबेंचर होल्डर्स को। तो ये शब्द इंपॉर्टेंट है कि पूरा पैसा मिलने के बाद कंपनी सेक्रेटरी एक सर्टिफिकेट बनाता है, डिस्पैच करता है डिबेंचर होल्डर को। तो डिबेंचर सर्टिफिकेट में ये लिखना है, व्हाट इज अ डिबेंचर ट्रस्ट डीड? ये 1 सेंटेंस में आता है। तो एन एग्रीमेंट बिटवीन डिबेंचर होल्डर्स एंड कंपनी इज प्रिपेयर्ड एंड रजिस्टर्ड विद द रजिस्टर ऑफ कंपनी, ताकि डिबेंचर होल्डर्स के राइट सिक्योर्ड रहे, उसके लिए डिबेंचर ट्रस्ट डीड बनाई जाती है। दिस एग्रीमेंट कंटेन्स टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ डिबेंचर्स व्हिच इज नोन एज डिबेंचर ट्रस्ट डीड। हु इज नोन एज डिबेंचर ट्रस्टी? तो भाई जो बंदे अपॉइंट होते हैं, डिबेंचर्स म्यूचुअली डिसाइड करते हैं कि ये देख रेख करेंगे। द डिबेंचर होल्डर्स अपॉइंट देयर रिप्रेजेंटेटिव टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट एंड रिस्क। पीपल हु रिप्रेजेंट द मास ऑफ डिबेंचर होल्डर्स आर नोन एज डिबेंचर्स ट्रस्टीज। क्योंकि डिबेंचर्स होल्डर जो है वो वाइडली स्प्रेड इन द कंट्री होते हैं, तो वो अपॉइंट करते हैं कुछ लोग, वो डिबेंचर ट्रस्टी होते हैं। कोई भी दो राइट्स बताइए डिबेंचर होल्डर के, तो सबसे पहला राइट, बहुत सारे हैं, पर पहला राइट है टू रिसीव इंटरेस्ट एट द स्पेसिफाइड टाइम एंड रेट। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी फिक्स रहता है और टाइम कब कब ब्याज मिलेगा वो भी फिक्स रहता है, तो इंटरेस्ट मिलना। सेकेंड, गेट बैक द मनी इन्वेस्टेड ऑन द डेट ऑफ मेच्योरिटी, मेच्योरिटी पर उसको पैसा वापस मिले, ये उसका राइट है। तो दो राइट्स बोले हैं, दो राइट्स हैं। डिबेंचर्स क्या होते हैं, एमसीक्यूज पे आते हैं, तो डेट कैपिटल, उसका आंसर है बी, द डेट कैपिटल। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ कंपनी द डिबेंचर होल्डर्स एक्वायर द डैश राइट टू गेट मनी बैक, प्रायोरिटी राइट, पहले उनको मिलता है। व्हाट इज द फंडामेंटल राइट ऑफ डिबेंचर होल्डर? नाउ फंडामेंटल राइट क्या है? परफेक्ट, अगर आप डी सोच रहे हैं तो, टू गेट द इंटरेस्ट एंड मनी बैक, राइट? वोटिंग राइट तो है नहीं, मीटिंग में आ नहीं सकता, राइट एज अ मेंबर भी नहीं है, क्योंकि शेयर होल्डर एज अ मेंबर, नॉट अ डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर एज अ क्रेडिटर। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट।
व्हाट इज द नेम ऑफ द एग्रीमेंट बिटवीन अ कंपनी एंड अ डिबेंचर होल्डर, तो दैट एग्रीमेंट इज कॉल्ड एज डिबेंचर ट्रस्ट डीड, डिबेंचर ट्रस्ट डीड, ये भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है. हु अपॉइंट द ट्रस्टी ऑफ डिबेंचर्स, परफेक्ट. अगर आप डी सोच रहे हैं तो द असेंबली ऑफ डिबेंचर होल्डर्स. हु रिप्रेजेंट द मास ऑफ डिबेंचर होल्डर्स, मास को कौन रिप्रेजेंट करता है, डी डिबेंचर ट्रस्टी. व्हाट इज द स्टेटस ऑफ डिबेंचर होल्डर इन द कंपनी, क्रेडिटर, ए क्रेडिटर, यू टू राइट ए एंड आंसर. अग्री, सिर्फ ए नहीं चलेगा, सिर्फ क्रेडिटर नहीं चलेगा. हु कैन द डिबेंचर होल्डर्स अपॉइंट एज देयर प्रोटेक्टर ऑफ राइट्स, तो डिबेंचर ट्रस्टीज, करेक्ट. लेट अस गो फॉर द ब्रीफ क्वेश्चंस. डिफाइन डिबेंचर. अब ये अगर 1 मार्क में भी आ सकता है, 2 मार्क में भी आ सकता है. तो डिबेंचर वर्ड डिराइव हुआ है लैटिन वर्ड डिबर में से, उसका मतलब डेट होता है, टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट है. ये अपन पहले भी पढ़ चुके हैं फ्रांसिस बर्मर का, तो अपन इसको टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, इतना लिखना है, करेक्ट. और फ्रांसिस बर्मर याद हो तो लिख लेना. अब 2 मार्क में आता है तो थोड़ा अपने को एलाबोरेट करना पड़ेगा. डिबेंचर होल्डर्स डू नॉट गेट वोटिंग राइट, दे कैन नॉट पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट ऑफ कंपनी, डिबेंचर होल्डर्स कैन अपॉइंट डिबेंचर ट्रस्टीज टू सेफ गार्ड देयर इंटरेस्ट. तो मतलब 2 मार्क में आता है तो आपको डेफिनेशन तो लिखनी है कि कहाँ से आया लैटिन वर्ड और ये सब, फ्रांसिस बर्मर की डेफिनेशन, और थोड़ा एलोबरेट कर देना 2 मार्क के लिए. व्हाट इज पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर, ये हम पढ़ चुके हैं. जब डिबेंचर्स कन्वर्ट होते हैं एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन, तो 1 पार्ट फुली कन्वर्ट होता है और एक होता है नॉन कन्वर्टेबल. 1 पार्ट इज फुली कन्वर्टेबल, अदर पार्ट इज नॉन कन्वर्टेबल, उसका रोकड़ा मिल जाएगा. तो इक्विटी शेयर्स आर इश्यूड अगेंस्ट कन्वर्टेबल पार्ट, व्हाइल नॉन कन्वर्टेबल पार्ट अमाउंट इज ट्रांसफर टू द डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट. तो इसका हो जाता है पार्टली कन्वर्टेबल, राइट. कुछ हिस्सा कन्वर्ट होगा, कुछ हिस्सा कन्वर्ट नहीं होगा, उसका रोकड़ा मिलेगा, अकाउंट में जमा हो जाएगा. मेंशन द राइट्स ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी, डिबेंचर ट्रस्टी के राइट. तो व्हेन अ सिचुएशन अराइज अबाउट अ फिक्स्ड और अ फ्लोटिंग चार्ज, डिबेंचर ट्रस्टी हैव टू सी वेदर द प्रोविजन ऑफ द ट्रस्ट डीड आर फॉलोड और नॉट. ट्रस्ट डीड बनती है प्रोसीजर ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर्स में, आप पढ़ेंगे ट्रस्ट डीड बनानी पड़ती है, तो उसके सारे प्रावधान फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, वो डिबेंचर ट्रस्टी को देखना है. दूसरा, मान लीजिए ट्रस्ट डीड में जो चीजें लिखी हुई हैं वो एंश्योर करना है डिबेंचर ट्रस्टी को कि सारी फुलफिल हो रही है कि नहीं, और अगर उनमें कुछ अमेंडमेंट हुई है तो ये एश्योर करना है कि अमेंडमेंट डिबेंचर होल्डर की जनरल मीटिंग का अप्रूवल के बाद हो. वंस ट्रस्ट डीड इज रजिस्टर्ड विद द रजिस्टर ऑफ कंपनी, डिबेंचर ट्रस्टीज हैव टू एंश्योर दैट एनी अमेंडमेंट इफ डन इज डन विद द अप्रूवल ऑफ डिबेंचर होल्डर्स इन जनरल मीटिंग. कॉन्सेप्ट ऑफ डिबेंचर है, अब ये टू द पॉइंट है, डिपेंड करता है 2 मार्क में आएगा, 3 मार्क में तो फर्स्ट टर्म में आ सकता है, बाकी 3 मार्क में उधर तो डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड डिबेंचर आता है, और उसका मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा लर्न करने का जब हम उस क्वेश्चन पे जाएंगे. कॉन्सेप्ट ऑफ डिबेंचर, डिबेर वर्ड आया है, ये सब डिबेंचर जहां पर भी आया है तो ये तो लिख ही लेना भाई कि लॉन्ग टर्म कैपिटल रिक्वायरमेंट है, बोरोड कैपिटल है, डिबेर वर्ड है, लैटिन वर्ड डेट का मतलब है, फ्रांसिस बर्मर की डेफिनेशन, वोटिंग राइट नहीं है, पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, दे कैन नॉट पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, और ये सब मन की बात लिखनी है. सो दिस इज व्हाट यू हैव टू राइट, यू डोंट हैव अ चॉइस. कॉन्सेप्ट ऑफ डिबेंचर में इतना तो लिखना ही है. डिस्कस एनी टू टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स, तो सबसे पहले एक डिबेंचर्स का फ्लो चार्ट बना देने का. टाइप्स ऑफ डिबेंचर 4 होते हैं, मॉर्गेज डिबेंचर, फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर, पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स. अब मॉर्गेज डिबेंचर्स तो मैंने लेटर ऑन एक्सप्लेन किए हैं, अभी मैं आपको पहले पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स बताता हूं. पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स, 1 पार्ट अभी अपन ने पढ़ा है फुली कन्वर्टेबल एंड द अदर पार्ट इज नॉन कन्वर्टेबल. तो कन्वर्टेबल पार्ट के लिए इक्विटी शेयर्स मिल जाते हैं और नॉन कन्वर्टेबल पार्ट के लिए रोकड़ा में जमा हो जाता है. दूसरा, आप लिखें नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, दीज डिबेंचर्स आर नॉट कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर होल्डर्स आर पेड एंटायर मनी एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन. अब ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोल रहा है स्टेट करिए प्रोसीजर, पूरा एक्सप्लेन ना करें. 5 मार्क में एक्सप्लेनेशन आता है पर 5 मार्क्स का तो इसमें आता ही नहीं है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है. तो स्टेट करना है प्रोसीजर. प्रोसीजर में क्या होता है डिबेंचर इशू का, सबसे पहले रिजोल्यूशन पास होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं
वो डिसाइड करते हैं कि भाई डिबेंचर इशू करने हैं कि नहीं करने हैं, तो म्यूचुअल कंसेंट से वो डिसाइड करते हैं और रेजोल्यूशन पास करते हैं। अब कभी कभी उनको रेजोल्यूशन जनरल मीटिंग से पास करवाना होता है, दो सिनेरियोस में, जब डेट ऑफ कंपनी फ्री रिजर्व से एक्सीड करता है, ये मेरे एक प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन्ड है पूरा प्रोसीजर, राइट, और जब डेट फ्री रिजर्व से एक्सीड करे, अब रेजोल्यूशन पास हो गया, उसके बाद सेबी की परमिशन, भाई हम डिबेंचर इश्यू करना चाहते हैं, पहले वो म्यूचुअली डिसाइड करेंगे फिर सेबी से परमिशन लेंगे, सेबी से परमिशन लेंगे तो ही प्रॉस्पेक्टस इश्यू कर सकते हैं। अच्छा, प्रॉस्पेक्टस इश्यू करने के टाइम पे वो अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रस्टी कर देते हैं कि भाई डिबेंचर्स का हम जो पैसा है वो उसका देख रेख ट्रस्टी करेंगे। अब फाइनेंस से रिलेटेड बात है, एग्रीमेंट विद अंडरराइटर्स कि मान लीजिए अगर डिबेंचर्स फुली सब्सक्राइब नहीं हो रहे हैं तो अंडरराइटर्स डिबेंचर्स खरीद लेंगे, फिर शेड्यूल बैंक में अकाउंट खोलेंगे, रजिस्ट्रेशन स्टॉक एक्सचेंज कराएंगे, अलॉटमेंट रजिस्टर बनाएंगे डिबेंचर्स का जब पैसा मिल जाएगा, और फिर जब पूरा पैसा मिल जाता है, जब फुल पैसा मिल जाता है तो सर्टिफिकेट इशू करते हैं, तो वो डिबेंचर सर्टिफिकेट इशू करते हैं, दैट इज कॉल्ड डिबेंचर सर्टिफिकेट। व्हाट इज ट्रस्ट डीड, हमने ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इंडियन कंपनीज एक्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन कंपनी एंड डिबेंचर इज एग्जीक्यूटेड एंड रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, सच कॉन्ट्रैक्ट कंटेनिंग कंडीशंस ऑफ डिबेंचर इशू इज नोन एज ट्रस्ट डीड, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्यों बनाते हैं, क्योंकि डिबेंचर होल्डर्स स्कैटर्ड होते हैं, अनऑर्गेनाइज होते हैं, तो उनका इंटरेस्ट कौन देखेगा, सेफ गार्ड देयर इंटरेस्ट, तो डिबेंचर ट्रस्टी बनती है। उनको फेथ, डिबेंचर होल्डर्स को उन पे फेथ होता है, न्यूट्रल होते हैं, और कुछ भी अगर अमेंडमेंट होती है तो डिबेंचर ट्रस्टीज ये चेक करते हैं, इंश्योर करते हैं कि जनरल मीटिंग में उनका अप्रूवल हुआ है, डिबेंचर्स की जनरल मीटिंग में, तो ये डिबेंचर ट्रस्टी लिखना है। अच्छा, अब मान लीजिए 3 मार्क में आ गया, तो आपको ट्रस्ट डीड में क्या क्या इंक्लूडेड होना चाहिए, 6 बातें सिर्फ स्टेट करिए, प्राइमरी इंफॉर्मेशन ऑफ कंपनी, डिस्क्रिप्शन ऑफ डिबेंचर इशू, इंफॉर्मेशन अबाउट एसेट्स मॉर्गेज, भाई फिक्स चार्ज है कि फ्लोटिंग चार्ज है, पर्टिकुलर्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी, इवेंट्स ऑफ डिफॉल्ट, कभी डिफॉल्ट हुआ है क्या, और ऑब्लिगेशन ऑफ कंपनी। अब ये क्लैरिफाई द प्रोसीजर, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिबेंचर ट्रांसफर का प्रोसीजर। अब मैं आपको एक फ्लो चार्ट से समझाता हूं, ट्रांसफर का प्रोसीजर दो पार्ट्स में बटा हुआ है, एक बायर सेलर करता है और एक कंपनी करती है, बायर सेलर 4 चीजें करता है, कंपनी 4 चीजें करती है। बायर सेलर क्या करता है, तो पहला तो वो फॉर्म भरता है कि नहीं, राइट, फॉर्म लेता है, फॉर्म भरता है, ऑब्टेन अ ट्रांसफर फॉर्म एंड फिल डिटेल्स, फिर अब डिटेल्स में क्या होगा, नाम एड्रेस दोनों की, बायर एंड सेलर। अब मैंने बताया 4 चीजें करता है, तो पहले तो फॉर्म भरेगा, उसमें एड्रेस और बायर सेलर दोनों की एड्रेस होनी चाहिए, फिर डिक्लेरेशन देगा सेलर, सेलर डिक्लेरेशन देता है कि भाई मेरे को कोई आपत्ति नहीं है डिबेंचर सेल ट्रांसफर करने में, और चौथा डिबेंचर सर्टिफिकेट अटैच करेगा डिबेंचर फॉर्म के साथ, जो ट्रांसफर फॉर्म है उसके साथ डिबेंचर सर्टिफिकेट अटैच करेगा। तो ये 4 चीजें बायर सेलर करता है, मतलब बायर या सेलर दोनों को करने पड़ते हैं, जैसे डिबेंचर सर्टिफिकेट है वो सेलर सबमिट कर सकता है, बायर सबमिट कर सकता है, करेक्ट। अब कंपनी 4 चीजें करती है, सबसे पहले कंपनी सेक्रेटरी तो एग्जामिन करेगा वो फॉर्म, कंपेयर करेगा साइन कि साइन बराबर है कि नहीं, अच्छा उसके बाद मेन तो वो देखेगा स्टैंप ड्यूटी पेड है कि नहीं, और ये डिफरेंस में भी आता है कि डिबेंचर पे स्टैंप ड्यूटी ज्यादा होती है, शेयर्स पे ट्रांसफर पे स्टैंप ड्यूटी कम होती है, तो कंपनी 2 चीजें देखेगी, मतलब कंपनी सेक्रेटरी पहले सिग्नेचर वेरीफाई करेगा, फिर स्टैंप ड्यूटी पेड है कि नहीं, फिर वो मीटिंग मीटिंग करेगा, मीटिंग बुलाएगा है कि नहीं, क्योंकि 4 चीजें करनी है, मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बुलाएगा, उसमें सब रखेगा भाई यहाँ पे इनका ट्रांसफर रखना है, ट्रांसफर करना है, और उसमें रेजोल्यूशन पास कराएगा। तो टोटल 8 चीजें हैं, 4 चीजें बायर सेलर को करनी है, 4 चीजें कंपनी को करनी है। अभी प्रोसीजर लिखना है, तो ऑप्टन डिबेंचर ट्रांसफर फॉर्म, ये जो मैंने अभी समझाया, फिर सेलर का और बायर का नाम, सर्टिफिकेट, सीरियल नंबर, क्वांटिटी, डिटेल ऑफ डिबेंचर्स, वो सब देना है, 4 बातें जो है वो बायर सेलर करता है, डिक्लेरेशन देता है सेलर, डिक्लेरेशन देता है कि वॉलंटरी दे रहा है भाई साइन, करेक्ट, सेकंड टाइम भी साइन करना पड़ेगा, फिर वो डिबेंचर सर्टिफिकेट देगा फॉर्म के साथ, कंपनी को पहुंचेगा, कंपनी सेक्रेटरी क्या बोलेगा, फॉर्म को एग्जामिन करेगा, सिग्नेचर वेरीफाई करेगा,
स्टैंप ड्यूटी बराबर पेड है कि नहीं वो चेक करेगा, मीटिंग मीटिंग करेगा, करेक्ट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बुलाएगा और उसमें रिजोल्यूशन पास करेगा और नए एंट्रीज करेगा पास डिबेंचर होल्डर के सर्टिफिकेट में, नया सर्टिफिकेट दे देगा और डिस्पैच कर देगा परचेजर को। तो ये है प्रोसीजर। और ट्रांसफर, अब मीनिंग ऑफ डिबेंचर एंड इट्स टाइप, तो टाइप्स ऑफ डिबेंचर मीनिंग मैं ऑलरेडी बहुत बार बता चुका हूं तो दोबारा नहीं बता रहा हूं, वहीं से आप कॉपी कर लेना। टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स भी हम दो तो कर चुके हैं, यहां पर मैं आपको मॉर्गेज बता देता हूं। तो व्हेन अ कंपनी क्रिएट्स फिक्स्ड और फ्लोटिंग चार्ज ऑन एसेट द टाइम ऑफ इशूइंग डिबेंचर्स, सच डिबेंचर्स आर कॉल्ड एज मॉर्गेज डिबेंचर्स। कंपनी हैज टू ऑब्टेन अप्रूवल ऑफ डिबेंचर ट्रस्टीज बिफोर टेकिंग एनी डिसीजंस रिगार्डिंग द मॉर्गेज एसेट्स। एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन डिबेंचर होल्डर्स हैव फर्स्ट राइट ऑन द एसेट्स। मॉर्गेज फुली कन्वर्टेबल मैंने बताया था, पार्टली कन्वर्टेबल बताया हुआ है, फुली कन्वर्टेबल। अच्छा, ये सारी चीजें मेरी एक्सप्लेनेशन चैप्टर में, जो वीडियो है एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर, उसमें ऑलरेडी ये डिस्कस करी हुई है। एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन ऑफ दी डिबेंचर दे आर कन्वर्टेड इन टू शेयर्स, ठीक है। डिबेंचर्स ऑप्शन टू टेक इक्विटी शेयर्स और वो दे विल सीज द राइट टू बी अ क्रेडिटर एंड दे विल गेट अ मेंबरशिप राइट। अब डिस्कस द प्रोसीजर, तो प्रोसीजर ये हम पढ़ चुके हैं। अब ये देखो 5 मार्क्स में नहीं आने वाला है, 3 मार्क्स में इतना बड़ा प्रोसीजर डिस्कस करने का पॉसिबिलिटी ही नहीं है, तो खोटा टाइम वेस्ट नहीं करने का। ये सबसे अनइम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेट आ सकता है प्रोसीजर, 10 पॉइंट्स को स्टेट करिए, डिस्कस तो पॉसिबल नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर ये आता ही है, शेयर्स एंड डिबेंचर्स का डिफरेंस। अब इसका एक्रोनॉम है CRR, CRR अभी कैश रिजर्व रेशियो नहीं है, सी फॉर कैपिटल, सी फॉर कैपिटल। कैपिटल पे क्या मिलता है, रिटर्न, है ना, गुडविल चैप्टर में सीखा है ना, अकाउंट्स वालों बच्चों ने सीखा होगा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो कैपिटल पे क्या मिलता है, रिटर्न, करेक्ट। फिर रिटर्न किसमें होता है, परसेंटेज में, तो रेट ऑफ रिटर्न। तो CRR ये एक्रोनॉम से इजीली याद हो जाएगा। कैपिटल, तो ये ओनरशिप कैपिटल है, ये बोरोड कैपिटल है। रिटर्न, तो शेयर्स पे डिविडेंड के फॉर्म में रिटर्न मिलता है, उसका नाम डिविडेंड है, रिटर्न का नाम डिविडेंड है, और यहां पर रिटर्न का नाम इंटरेस्ट है। रेट ऑफ रिटर्न तो फिक्स नहीं है, रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स नहीं है, यहां पर इंटरेस्ट स्पेसिफाई होता है, जब आप इशू करते हो ना तभी वो स्पेसिफाई हो जाता है, और लॉस होगा तो भी देना पड़ेगा इंटरेस्ट। तो CRR। अब ROV, ROV, R फॉर रिस्क। अब रिस्क किसको होती है, ओनर को, तो ओनरशिप, रिस्क फॉलोज ओनरशिप, करेक्ट। रिस्क किसको होती है, ओनरशिप को, और ओनरशिप को वोटिंग राइट भी होते हैं, जो ओनर है वो वोट करेगा। तो CRR, कैपिटल, रिटर्न, रिटर्न किसमें होता है, रेट ऑफ रिटर्न, CRR हो गया, ROV, रिस्क, रिस्क किसको होती है, ओनर को, ओनर को क्या होता है, वोटिंग राइट। अब रिस्क, द रिस्क इज हायर इन द शेयर्स, वहां पर द रिस्क इज लेस इन डिबेंचर्स। ओनरशिप, शेयर होल्डर्स आर ओनर्स ऑफ द कंपनी, डिबेंचर होल्डर्स आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। वोटिंग राइट, शेयर होल्डर्स हैव वोटिंग राइट, डिबेंचर होल्डर्स डू नॉट हैव वोटिंग राइट। तो ये 6 पॉइंट्स हो गए, 3 मार्क में 6 पॉइंट सफिशियंट है, पर फिर भी 3 पॉइंट्स एक्स्ट्रा। SCC, S फॉर स्टैंप ड्यूटी, C फॉर चार्ज ऑन एसेट, C फॉर कंट्रोल। अब यहां पर मैंने पहले भी बताया था, स्टैंप ड्यूटी लोअर रेट पर होती है, वहां पर स्टैंप ड्यूटी हायर रेट पर होती है। डिबेंचर्स में स्टैंप ड्यूटी हायर रेट पर होती है, और शेयर्स में स्टैंप ड्यूटी ट्रांसफर के टाइम पे स्टैंप ड्यूटी भरना पड़ता है ना, कंपनी सेक्रेटरी चेक करता है आपने प्रोसीजर ऑफ ट्रांसफर पढ़ा है। फिर चार्ज, तो देर इज नो चार्ज ऑन एसेट्स ऑफ द कंपनी, यहां पर फिक्स्ड या फ्लोटिंग चार्ज होता है, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। कंट्रोल, शेयर होल्डर्स हैव कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, डिबेंचर होल्डर्स डू नॉट हैव कंट्रोल ऑन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। तो CRR, ROV, SR, SCC, करेक्ट। विश गुड लक।